हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने अपना जीमेल चेक किया तो वहाँ पे एक मेल आया हुआ था यूट्यूब की तरफ से कि आपका एक शॉर्ट जो है वो म्यूट हो जाएगा। तो भाई मैं इतना डर गई, मतलब अब क्या होगा, क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, ऐसा कौन सा शॉर्ट डाल दिया, ये वो फलाना धमाका मेरे दिमाग में आने लगा भाई। उसके बाद मैं थोड़ा 10-15 मिनट बाद रिलैक्स हुई, तो फिर मैंने सोचा यार ऐसा तो मैं कोई शॉर्ट डालती नहीं हूँ किसी और का। फिर मैंने उसको सही से प्रॉपर ढंग से पढ़ा, फिर पता चला क्या था उसका मतलब। वहाँ पे मतलब था कि आपने किसी और का वी मतलब ऐसा था कि वहाँ पे आपने किसी और के वहाँ पे मतलब ऐसा था कि आपने किसी और क्रिएटर की वॉइस मतलब यूज़ किया है, वो तो उसने अपनी वॉइस या वीडियो डिलीट कर दिया है, तो वो भी आपके उससे डिलीट हो जाएगी वॉइस जो है आप मतलब। मैं फिर से बताती हूँ, और इसका मतलब था आपने किसी और क्रिएटर की जो भी वॉइस यूज की थी मतलब जो भी उसका ऑडियो था वो आपने यूज किया था, और अब उस क्रिएटर ने अपना वो ऑडियो या वो वीडियो डिलीट कर दिया है, तो इसलिए आपके भी वीडियो से वो ऑडियो चला जाएगा, मतलब म्यूजिक या ऑडियो या वॉइस जो भी यूज़ की होगी तो वो आपके वीडियो से चली जाएगी, मतलब इसलिए वो आपका वीडियो म्यूटेड हो गया है। बाकी आपके किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, ना आपकी यूट्यूब चैनल में कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं, बस आपका वो जो शॉर्ट है वो म्यूट हो जाएगा और 30 दिन बाद वो डिलीट हो जाएगा अपने आप से, मतलब YouTube डिलीट कर देगा, म्यूट हो जाएगा। अभी म्यूट हो गया है और फिर वो डिलीट हो जाएगा 30 दिन के बाद। हाँ मैं तो बहुत डर गई थी, मैंने सोचा भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये वो मतलब भाई YouTube ऐसा है। फिर मैंने उसको पढ़ा ध्यान से, तब मुझे पता चला कि ऐसा था। और फिर मैंने पहले मैं डर गई, मैंने एक दो लोगों के वीडियो देखे तो ऐसे बोले व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, अब ये, फिर बाद में लास्ट में एंड में बताते हैं ऐसे कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही आता है। भाई मैं तो बहुत डर गई थी, तो आप लोग प्लीज़ मत डरना, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपरली पहले पढ़ लेना। मैं तो बहुत नर्वस हो गई थी बट कोई नहीं, होता है जब आप कोई नई नई चीज़ करते हो ना तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होती, धीरे धीरे करके ही पता चलती हैं, तो फिर जब पता हो जाती है तो फिर सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, पहले नहीं डर लगता है। तो इसीलिए मोस्टली अब मैं अपनी वाइज में बनाती हूँ वीडियोस, क्योंकि पता नहीं कौन कब वीडियो अपना डिलीट कर दे, तो पता नहीं, इस वजह से अपनी वाइज में वीडियोस बनाऊँ। सही है, ओके, बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ढेर सारा करना, ठीक है, ओके बाय।